सिनेमा शो में आज बात करेंगे आयुष्मान की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की, बताएंगे शाहरुख की जवान का पहला गाना कब रिलीज होगा और जानिए गदर 2 वर्सेस ओएमजी 2 पर क्या बोले पंकज त्रिभाटी। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। Amazon Prime Video की सीरीज द बॉयज की स्पिन ऑफ सीरीज जेन वी का टीजर आ गया है, जिसमें कई नए किरदार दिखाई दे रहे हैं जिनके पास अलग अलग सुपर हीरोज वाली पावर है। इस बार भी सीरीज में मार धाड़ खून खराबा देखने को मिलेगा, इसे 29 सितंबर से देख सकेंगे। किलियन मर्फी की फिल्म ओपेनहाइमर ने पहले मंडे बढ़िया कमाई की है, चौथे दिन इसने 7 करोड़ रुपए कमाए। मूवी ने अब तक इंडिया में 55 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। वहीं बारबी ने पहले मंडे को 2.5 करोड़ रुपए की ही कमाई की, इसने इंडिया में कुल करीब 20 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। दिलजीत दोसांझ की जसवंत सिंह खाल्ला की बायोपिक को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर किया है। मूवी का नाम पंजाब 95 है। इसमें दिलजीत के साथ अर्जुन रामपाल और सुविंदर विक्की भी दिखाई देंगे। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का फर्स्ट लुक आ गया है, जिसमें वो पूजा के किरदार में नजर आ रहे हैं। राज शांडियल की फिल्म को 25 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। फिल्म में इस बार अनन्या पांडे भी दिखाई देंगी। जिमी शेरगिल की फिल्म चूना का ट्रेलर आ गया, जिसमें जिमी एक नेता बने हैं। इस हाइस्ट कॉमेडी ड्रामा फिल्म को पहले 3 अगस्त को आना था, मगर अब इसकी रिलीज डेट बदल दी गई है। नई रिलीज डेट जल्द अनाउंस होगी। अक्षय कुमार की फिल्म ओएमजी 2 को रिलीज होने में कुछ ही दिन बचे हैं, मगर फिल्म को सेंसर बोर्ड से अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक इसके ट्रेलर और फिल्म दोनों को ही अभी सेंसर बोर्ड ने क्लियरेंस नहीं दी है। अगर आने वाले 2 दिनों में ये सेंसर से पास नहीं होती तो मेकर्स को इसकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को बदलना होगा। विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ की फिल्म मैरी क्रिसमस के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक श्री राम राघवन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को 60 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। रिया कपूर और एकता कपूर की करीना, सोनम, स्वरा और शिखा तलसानिया स्टारर फिल्म वीरे दी वेडिंग के दूसरे पार्ट पर काम शुरू हो चुका है। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का आइडिया लॉक हो चुका है, अगले साल से इसकी शूटिंग शुरू होगी। पवन कल्याण और साई धर्म की तेलुगु फिल्म ब्रो का ट्रेलर आ गया, इसमें प्रिया प्रकाश पौर्य भी नजर आएंगी। ट्रेलर देखकर पता चलता है कि पवन कल्याण फिल्म में समय बने हैं, जो साई धर्म के किरदार को वक्त की वैल्यू समझाएंगे। मूवी 28 जुलाई को थिएटर्स रिलीज होगी। फरहान अख्तर की फिल्म भाग मिल्खा भाग को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में ओम प्रकाश मेहरा की इस फिल्म को 26 जुलाई को मुंबई में री रिलीज किया जाएगा। अक्षय कुमार की फिल्म ओएमजी 2 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, मगर पहले इसे ओटीटी पर रिलीज किया जाना था, जिसके लिए जियो सिनेमा इसे 90 करोड़ रुपए दे रहा था। लेकिन अक्षय कुमार ने प्रोड्यूसर से बात करके इसे थिएटर में उतारने को मना लिया। अब अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं रही, इसने पैसे नहीं कमाए, जैसा कि अक्षय कुमार की पिछली कुछ फिल्मों का रिकॉर्ड रहा है, तो ओएमजी 2 के प्रोड्यूसर्स को तगड़ा नुकसान हो जाएगा। ओएमजी 2 का क्लैश सनी देओल की फिल्म गदर 2 से होने वाला है। इस क्लैश पर बात करते हुए पंकज त्रिपाठी ने कहा, मैं सिवाय एक्टिंग के और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देता। अगर 4 फिल्में 7 रिलीज होती हैं और सभी अच्छी हैं तो सभी चलेंगी। पठान के बाद शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद एक बार फिर से कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। दोनों एक कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापन में साथ काम करने वाले हैं। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट के मुताबिक इस एड में पठान के ट्रेन सीक्वेंस जैसे सीन की झलक दिखेगी और एक बड़े शिप को भी दिखाया जाएगा। रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन से विकी कौशल अलग हो गए हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक विकी इन दिनों छावा फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग डेट्स का क्लैश सिंघम अगेन से हो रहा था। जवान से पहला गाना आने वाला है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का पहला गाना जिंदा बंदा 27 जुलाई को नहीं बल्कि अगस्त के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा। ट्रेलर भी तैयार है और उसे फिल्म की रिलीज से कुछ दिन पहले उतारा जाएगा। तो बस ये थी आज की बड़ी खबरें। जाते जाते एक छोटा सा ट्रिविया सुनते जाइए। आज का ट्रिविया जुड़ा है फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा से। इस फिल्म की रिलीज के बाद स्पेन के टूरिज्म बिजनेस में 65% की वृद्धि हुई थी। फिल्म में टोमाटिना फेस्टिवल को शूट करने के लिए करीब 16 टन यानी 16,000 किलो टमाटर का इस्तेमाल किया गया था। खैर, आपकी इस फिल्म से क्या यादें जुड़ी हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमें दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल, तब तक जुड़े रहिए, अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया।